मैं आपसे अभी अंदर में वही बात अब मुझे लगता है आपने साउंड वाले से बात कर ली कि थोड़ा सा साउंड और मेरा अच्छा लगता है और शरीर का थोड़ा कम. मैंने माइक की सेटिंग पहले ही करवा ली, 5 नंबर वाला मुझे देना. तो जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो बचपन की कुछ यादें होंगी दोस्तों के साथ, आप किस तरह से मस्ती करते थे, क्या वो बातें हैं, किस तरह से फ्रेंडशिप डे आप सेलिब्रेट करते थे? मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, बिकॉज शुरुआत से ही मेरा जो मेरी फ्रेंड सर्कल, मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है, मेरे जो साथीदार रहे हैं वो सब म्यूजिशियंस रहे हैं जी. स्कूल से लेकर स्कूल से जब शुरुआत हुई थी, जब ऑब्वियसली जब फ्रेंड्स नए नए बने थे, तो स्कूल के जो मेरे फ्रेंड्स थे उसमें भी कोई सिंगर था, कोई गिटार बजाता था, और इस तरह से शुरुआत हुई. तो ऑब्वियसली जाहिर है मेरा भाई मेरा भाई था, बट दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था जी. और बिकॉज वो ड्रम्स बजाता था और मैं कीबोर्ड्स बजाता था, तो हमारी दोस्ती शुरुआत से ही दोस्ती के साथ साथ म्यूजिक की इन्वॉल्वमेंट रही है. और स्कूल में हमारा एक बैंड था. क्या बात है, स्कूल से ही बैंड था या तो स्कूल में बैंड था, तो बैंड ही बजाते थे. और फिर स्कूल से मैं जब बाहर निकला तो यू नो कॉलेज में ज़्यादा गया नहीं, बट म्यूजिक की स्टडीज हुई. बट बहुत फिर द वेरी बिगिनिंग राइट इन द वेरी लाइक बहुत पहले मेरी जो मेरे फर्स्ट फ्रेंड्स थे उसमें से एक फ्रेंड जो अभी एक ग्रैंड एंट्री लेने वाले हैं, वन एंड ओनली वन एंड ओनली जी हाँ, बजाइए जरा जम के बजाइए, आएंगे माय क्लोजेस्ट फ्रेंड शान सर. और मैं आएंगे इसी तरह से तो शुरुआत से ही मुझे लगता है 25 साल से हमारी दोस्ती. डोंट आस्क मी माय एज एंड हिज एज, बट सीरियसली ये तो इस तरह से शुरुआत हुई हमारी और दोस्ती. और फिर ऑफकोर्स यू नो शान वेरी सक्सेसफुल एज अ सिंगर और बहुत सारे गाने और बहुत सारे अवार्ड्स. और एंड इट्स सो गुड दैट आज बिग एफएम के स्टूडियो में हम हैशटैग सेलिब्रेट में फ्रेंडशिप डे मनाने वाले हैं विद माय डियर बडी शान. ओवर टू यू नाउ. मेरे शो में वाकई ने एक जिस तरह से सलीम की एक तो आवाज़ इतनी खूबसूरत है जो हम लोग नहीं रेडी जब मतलब रेडियो पर एक अलग आवाज़ होती है और रेडियो फ्रेंडली वॉइस से कहते हैं, बस एब्सोल्युटली फैबुलस और सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं. नहीं दोस्ती की बात हुई है, डेफिनेटली वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड लॉन्गेस्ट फ्रेंड्स. और जब हमारी दोस्ती तब हुई जब हम उस तरह से प्रोफेशनली भी काम नहीं शुरू करते, दोनों का ही म्यूजिक का शौक था और एक वी मोर लाइक पार्टी टुगेदर. करेक्ट, बहुत सारी पार्टीज के हिसाब से एक दो पिकनिक्स पे गए थे, आउटिंग्स पे गए थे. और म्यूजिक वाज नॉट सच अ बिग इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, क्या करता है ये नहीं पता था. एक दो सेंस ऑफ बॉन्डिंग म्यूजिक की बॉन्डिंग तो थी जरूर जरूर, पर आई थिंक दोस्ती ज्यादा गहरी थी म्यूजिक. जब कभी कीबोर्ड पर हम लोग जैम करते थे, जिस तरह से कीबोर्ड पर कभी उंगलियां चलती थी तो बिल्कुल आज भी वैसी है. आई थिंक द अमेजिंग थिंग अबाउट सलीम दैट नॉट मेनी पीपल नो इज अ पियानिस्ट इन सलीम. आई एम होपिंग समडे वी आर गोना हियर हिम लाइव. मैंने बहुत ऐसे टॉक टू शामों में सुना हूं और बहुत बहुत मजा आया है. हमेशा रिकॉर्डिंग का कॉल आवे नहीं लिए यार, वो बंद हो गया रिकॉर्डिंग. आई जस्ट केम फॉर रिकॉर्डिंग. आज आप थोड़ा सा वेट करें उसके लिए, बिकॉज़ शान की बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है, माफी चाहता हूं सर. नहीं नहीं, ये तो मैंने अभी वो आते-आते चलने वाला टीका ब्रह्म कुमारीज का कोई भजन करके आया, बहुत अच्छी जो मिल जाए गाने में हमेशा. ऑफ कोर्स भजन करने तो अच्छी बात है. तो हम चाहे भजन करें भोजन करें, हम लोग ने बहुत धमाल किया है. हां मेनी मेनी इयर्स. तो बिल्कुल फ्रेंडशिप डे पर कई बार ऐसे दोस्त होते हैं ऑलमोस्ट मीडिया क्रिएटेड, या तुम्हारी दोस्ती में कोई उस तरह का कोई मतलब या कोई मीडिया नहीं, क्योंकि मीडिया की पहली की दोस्ती है. एग्जैक्टली बिफोर सेल फोन्स, बिफोर हैशटैग्स हमारी दोस्ती ले वाकई में आती 25 साल से ज्यादा हो. नहीं 25 साल आई थिंक या और बहुत सारे जिंगल्स, कितने जिंगल्स शान ने गाए मेरे लिए और हमारे लिए. और बहुत सारे वी डिड दैट फर्स्ट सॉन्ग दैट वो हेड ओवर हील्स. बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टाइल भाई के साथ, बहुत काम किए एक साथ. एंड ऑफ कोर्स यू नो म्यूजिक is has always been our biggest. क्रिकेट खेले हैं शुरू से भी, कितनी बार आपने मैचेस खेले हैं और मेरी तो ये सिर्फ ऐसे दिस इज नॉट अ क्या कहते हैं
लाइक शान सर की ये बनाया हुआ है सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या सिर्फ इस एक मीडिया हाइप के लिए कि ये आज फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो हैशटैग सलीम है यू नो आई एम गोना टॉक टू माय क्लोजेस्ट फ्रेंड शान. मैं वो बात नहीं है, वाकई में हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और बहुत गहरी है एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव शान टुडे. और इतना धमाकेदार ये शो होने वाला है. मैंने अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन सोचे हैं जो बहुत पर्सनल है और ऑफकोर्स शान ने बहुत इंटरव्यूज किए होंगे, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज किए होंगे टेलीविजन और रेडियो पे, पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड है, जो हमारी दोस्ती से रिलेटेड है, वो चीज़ें मैं आज हैशटैग से नहीं मैं ले आऊँगा शान से. म्यूजिक की बात तो होगी लेकिन जब दो दोस्त मिलते हैं तो वो थोड़ा अंदर वाली बातें भी होती है. वही तो अंदर एकदम मतलब वो याद है तुझे वो वाली. आज सब अंदर वाली बातें बाहर हो जाएंगी होपफुली. सारी बातें नहीं, म्यूजिक की बात जिस हद तक हो सकती है वो बाहर. कुछ कुछ चीज़ें हैं जो शान उसकी मैं जानता हूँ, जो उसके इन्फ्लुएंसेस हैं, जो उसके रूट्स हैं, जो उसकी शुरुआत कैसे हुई है, तो कुछ कुछ चीज़ें हम म्यूजिकली बात करेंगे उसके बारे में. जरूर कहूँगा मेरी जो शुरुआत की रूट्स आर क्वाइट हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय सलीम्स इन्फ्लुएंस इन म्यूजिक आल्सो. तो बहुत काफी कॉमन रूट्स हैं हमारी इस तरह से. साथ में रहने से क्या म्यूजिक सुनते हैं तो लेकिन हम आपका वेलकम करना चाहते हैं. ग्रैंड एंट्री तो हो गई आपकी. मैं चाहूंगा कि स्वप्ना जी आप आए और बढ़िया सा बुके लेकर स्वागत करें सलीम साहब का, शान साहब का, या ऐसा करते हैं कि आपके हाथों से इनका और इनके हाथों से आपका. क्या बात है, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर लेते हैं. और एक केक भी है इस मौके पर फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप लेकर आए हैं. बढ़िया सी केक कटिंग सेरेमनी हो जाए. फ्रेंडशिप डे हम एडवांस में आज सेलिब्रेट करेंगे. दो दोस्त मिल गए. एक लाइन है जो हम भैया दोस्ती सेलिब्रेट करेंगे. जरा एक मिनट. एक लाइन है जो हम बिग एफएम पर बोलते हैं और चाहते हैं कि आज आप दोनों दोस्त जब यहाँ पर हैं तो जरूर बोले. 92.7 बिग एफएम पर हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग एफएम का वादा. 92.7 पर हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग एफएम का वादा. क्या थैंक यू. एक बारे में कॉमन है, मैं भी बिग एफएम से जुड़ा हुआ था. एक साल एब्सोल्युटली शो किया था बिग एफएम पर और तभी कोई फ्रेंडशिप डे वाली बात नहीं हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं जरूर सलीम भुला था. बट थैंक यू सो मच कि इस बहाने चलिए फिर एक बार मैं बिग एफएम से जुड़ा हूँ आज और बहुत खुशी हो रही है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि सलीम अर्जुन साहब यहाँ पर है, शान सर यहाँ पर है और गाना ना हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता. जरा जोर से बोलिए. नहीं हो सकता तो क्या होना चाहिए? गाना तालियां दो जाइए एक बार यार. दोस्ती पर ऐसी गाने होंगे ना, वो ही बज रहा था ना म्यूजिक का. सेंटिमेंटल दोस्ती वाला वो भी हो सकता है. अरे बाबू वो वाला नहीं. वो नहीं 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 दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ.
साथ ना छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे हमारी जिम जिम जाने से पहले से कभी हम लोग जिम नहीं जाते थे अभी इस उम्र में लगे हुए हैं हो गया ये एक झलक है कि #सलीम में